हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम है आपके एलनकर इंस्टीट्यूट रायपुर के कैंपस में। और ये एलनकर इंस्टीट्यूट रायपुर के कैंपस का फर्स्ट फ्लोर है। बेसिकली ये जो क्लासरूम नंबर 5 है, ये डाउट काउंटर के लिए स्पेशली होता है। यहाँ पे 1-to-1 में फैकल्टीज़ बैठ के डाउट डिस्कस करती है बच्चों के साथ में। और ये क्लासरूम नंबर 1, 2 एंड दैट इज़ ऑनलाइन क्लासेस क्लासरूम। और ये 3rd नंबर का क्लासरूम है, ये 4th नंबर का क्लासरूम है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा इंफ्रा डिज़ाइन किया हुआ है। और लाइक इस तरीके की सिटिंग कैपेसिटी के साथ काफ़ी सारे क्लासरूम्स बने हैं। अराउंड 26 क्लासरूम्स इस कैंपस में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर लैब यानी CBT लैब जिसे बोलते हैं, जिसमें बच्चे ऑनलाइन टेस्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं। इन हाउस की CBT लैब है हमारी। और इसी के साथ में एक अलग से स्पेशली रूम होता है, विच इज़ कॉल्ड SSS सेल्फ स्टडी सेशन, जहाँ पे बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बैठ के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है, होमवर्क कर सकता है अपना। कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कि घर पर इन्वायरमेंट नहीं मिलता, तो उसके लिए भी प्रॉपर अरेंजमेंट एलन करियर इंस्टीट्यूट रायपुर में अवेलेबल है। और इसी तरीके के जिस तरीके का इंफ्रा आप देख रहे हैं, ये क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है, यही पैटर्न पे सारे क्लासरूम्स डिज़ाइंड है, जितने भी रिमेनिंग क्लासरूम्स हैं। और आप देख पा रहे होंगे पीछे में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए है। और जो पीछे में जो स्पीकर्स आप देख पा रहे होंगे ऊपर में, ये दोनों, ये बेसिकली क्लास में जब लेक्चर डिलीवर फैकल्टी करती है तो प्रॉपर वॉइस जाए इसलिए होते हैं। और सारे क्लासरूम सारे कम्प्लीटली फुल्ली AC होते हैं, सेंट्रलाइज AC से कनेक्टेड हैं। और ये क्लासरूम नंबर 4 था जैसा कि मैंने दिखाया। बस सेम पैटर्न पे ये सारे क्लासरूम जितने भी आपको गेट लॉक दिख रहे हैं, अभी बंद है, बट ये सारे क्लासरूम सेम पैटर्न पे डिज़ाइंड है। इसी तरीके के पूरे कैंपस में आप देखेंगे तो इसी तरीके के क्लासरूम्स मिलेंगे। कुछ के साइजेस थोड़े बड़े हैं, वो लाइक सेल्फ स्टडी सेशन वाला रूम थोड़ा बड़ा है, बाकी ये जैसे डाउट काउंटर का रूम है ये थोड़ा छोटा है। और भी डाउट काउंटर्स 1-to-1 में ऐसे लगेंगे, तब आप आके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।